हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन्स की बात। मैं बिजय और आज मैं आ गया हूँ नया वीडियो लेके नेटफ्लिक्स का हाउस अरेस्ट। सो गाइस, हाउस अरेस्ट बोलने से हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज लोग ने करके रखा था कि घर से नहीं निकल सकते, घर में बंद रहोगे। जो लोग मार्वल देखते हैं उन लोगों को पता है हॉकाई और एंटमैन को हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। मतलब बेसिक थिंग इज कि घर में आपको रहना पड़ेगा, घर से नहीं निकल सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप खुद ही घर से ना निकले हो तो, मतलब घर से निकलना अच्छा ही ना लगे तो, इस सेम कॉन्सेप्ट को लेके नेटफ्लिक्स का नया मूवी आ चुका है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट एंड इट्स डायरेक्टर इज शशांक घोष एंड समित बासु। शशांक घोष से हम लोग पहले कुछ मूवी देख चुके हैं जैसे कि क्विक गन मुर्गन, मुंबई कटिंग, खूबसूरत, विरेदी वेडिंग। कोई भी बहुत बढ़िया नाम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मूवी जैसे कि खूबसूरत का कहानी बुरा भी नहीं है, टाइम पास के लिए अच्छा है। क्विक गन मुर्गन भी खराब नहीं है, जो लोग देखे है, स्टोरी लाइन अच्छा है। तो उन लोगों का ही डायरेक्शन में आ गया है हाउस अरेस्ट नेटफ्लिक्स में, जो आज ही रिलीज किया है। मैं अभी देख के ये रिव्यू कर रहा हूँ और इसका जो कास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कास्ट में है अली फैजल एंड श्रिया पिलगांवकर, जिन दोनों को हम लोगों ने अमेजोन प्राइम का वीडियो मतलब मिर्ज़ापुर में देखा था। उधर भी ये दोनों ही हीरो हीरोइन थे, अली फैजल और श्रिया पिलगांवकर। इधर भी मेन कैरेक्टर है अली फैजल और श्रिया पिलगांवकर। अभी ये जो हाउस अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है, ये पहले थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली इट्स अ जापानीज कॉन्सेप्ट। जापानीज साइकोलॉजिस्ट तमाकी साउती ने 1990 में पहली दफा डिस्कवर किया था कि यंग एडल्ट्स, कुछ लोग घर से नहीं निकलते हैं, सोशल फिजिकल सब चीज़ों से एकदम अलग रहते, घर में ही बैठे रहते, खाना भी घर पे, मतलब घर से नहीं निकलना होता। इनको उन्होंने डिस्क्राइब किया था नाम से हिकिकोमोरी। इन लोगों को हिकिकोमोरी कहा जाता है। एंड 2018 के जापानीज गवर्नमेंट के स्टडी में देखा गया है कि लाखों से ऊपर जापानीज हिकिकोमोरी अभी प्रेजेंट है, जो लोग लास्ट 7-8 सालों से अपने घर से नहीं निकले हैं। और वो लोग नेचुरली किसी थर्ड पार्टी या फिर अपने पेरेंट्स के पैसों से अपना लाइफ लीड करते हैं, या फिर पेरेंट्स के पैसों के ऊपर उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए भरोसा करना पड़ता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है जापानीज सोसाइटी के लिए, जो इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम कर रहा है जापानीज में। और उन लोगों को ये घर से निकालने का प्रोसेस भी बहुत लेंदी चल जाता है साइकेट्रिस्ट से। तो ये बेसिकली कहा जाता है हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी कॉन्सेप्ट से ही हाउस अरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है। अब मैं डायरेक्ट कहानी में आ जाता हूँ, जहाँ पर मेन हीरो हमारा अली फैजल बेसिकली इज अ हिकिकोमोरी। वो घर से हो गया 6 महीने के ऊपर हो गया, वो घर से नहीं निकलता है, घर के बाहर भी पैर नहीं डालता है, खुद कुक करता है, खुद घर साफ करता है। एक बाई है जो सिर्फ उसे खाना ला के देता है, उसका सिक्योरिटी गार्ड उसको पैसा उठा के लाके देता है एटीएम से, लेकिन वो बाहर नहीं जाता है। उसका दोस्त होता है जिम, बेस्ट फ्रेंड होता है अली फैजल का, जो उसे बहुत दफ़ा कोशिश करता है उसे निकालने की। बेसिकली दिस इज अ फनी स्टोरी टाइप, कॉमेडी करने की कोशिश किया गया है, लेकिन स्टोरी लाइन अब मुझे उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, मैं पहले ही बता के रख देता हूँ। बरखा सिंह का जो रोल है, बेसिकली वो कैरेक्टर का नाम है पिंकी। पिंकी एक बहुत बड़ा डॉन का बेटी होता है, जो अली फैजल के घर में एक पार्सल छोड़ के जाता है, बॉक्स जैसा। बेसिकली अली फैजल किसी से भी इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद नहीं करता है, घर से नहीं निकलता है। अचानक से उनके ज़िंदगी में बहुत सारा लोगों का इंटरेक्शन हो जाता है, जैसे कि पिंकी वो पार्सल छोड़ जाता है। ऊपर से उसका दोस्त जिम एक जर्नलिस्ट को उसके पास भेजती है, जो रियली इंटरेस्टेड होता है अली फैजल के बारे में अपना स्टोरी बनाने के लिए। वही होता है श्रिया पिलगांवकर। श्रिया पिलगांवकर इधर एक जर्नलिस्ट है, जो सुन के 6 महीने अली फैजल घर में रह रहे, नहीं निकल रहे, मे बी उन्हें लगता है कि ये भी हिकिकोमोरी है, इसीलिए वो उन्हें इंटरव्यू करने आता है। कहानी बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बस जो होता है कि पिंकी जो बॉक्स छोड़ जाता है उसके अंदर से एक आदमी निकलता है, जिसे बांध के रख देते हैं। पिंकी बेसिकली लोकल डॉन का बेटी है,
तो यही एंगल से कवर किया गया है। मुझे कॉमेडी में ज्यादा कॉमेडी नहीं लगा, मतलब मुझे ज्यादा फनी नहीं लगा, बहुत ही सेम पैच का है। थोड़ा बहुत हंसी फिर भी आई जब वो जो बंद करके बॉक्स में आता है वो भागने की थोड़ा बहुत कोशिश करता है, तब थोड़ा अच्छा लगा मुझे। इसके सिवा मुझे कहानी उतना मज़ेदार नहीं लगा। बेसिक कहानी यही है, एंडिंग में नहीं बता रहा हूँ, आप जाके देखिए, लेकिन बेसिक कहानी यही है कि, और हाँ, श्रेया पिलगांवकर के साथ आली फैजल कुछ अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फील भी करते हैं, ऐसे ही दिखाया गया है। श्रेया पिलगांवकर भी उन्हें पिंच करते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन आली फजल बोलते हैं नहीं। लेकिन अंत में क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके देखिए। लेकिन मैं कहूंगा ये जो मूवी है हाउस अरेस्ट, ये नेटफ्लिक्स को सोचना चाहिए कि इसके पहले भी ड्राइव तो बहुत बड़ा फ्लॉप गया है, सेक्रेड गेम्स का सेकेंड पार्ट भी उतना पॉपुलर नहीं बना, हाउस अरेस्ट भी अच्छा नहीं गया है, तो उन्हें सोचना चाहिए हिंदी कंटेंट को कुछ अच्छा बनाने के लिए सोचना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपको कैसा लगा देखने के बाद ये भी बताइए। आपको नेटफ्लिक्स का हिंदी प्रोग्राम, नेटफ्लिक्स इंडिया को प्रोग्राम्स को लेके क्या सोचना है ये बताइए। मैं बताना चाहता हूँ बस इतना कि हाउस अरेस्ट ना ही बहुत अच्छा बना है ना ही बहुत बेकार बना है। अगर आपके पास बहुत खाली टाइम पड़ा है जाइए देखिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत कॉमेडी मिल जाएगा आपको, बुरा नहीं है। वही मैं बोला कि बहुत भी अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत काफ़ी टाइम है आपके पास, गो वॉच इट टू किल द टाइम एंड सब्सक्राइब गाइस, ब्रेन्स की बात ऑलवेज हियर, आपके लिए सब कुछ लेके आता है, जो भी रिव्यू होता है वेब सीरीज, वेब मूवीज, शॉर्ट फिल्म सबका। सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर एवरी वीडियो, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अवर एवरी वीडियो। थैंक यू गाइस।